3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मूगी की मुलाकात टाइगर से होती है और यहाँ पर टाइगर उसे रात को मिलने के लिए कहता है। ये सुनकर तो वो काफी सरप्राइज होती है। और इधर ही हम मिनाई को देखते हैं जिसे एक पब्लिशर की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि आपने जो अपनी स्टोरीज हमें भेजी थी वो हमने एक्सेप्ट कर ली है और अब आपकी स्टोरी बहुत जल्द ही पब्लिश कर दी जाएगी। ये सुनकर तो वो काफी सरप्राइज होता है कि आखिर मेरी स्टोरीज इसको किसने भेजी है। खैर वो तो इस बात से खुश होते हैं कि बहुत जल्दी उसकी स्टोरीज पब्लिश हो जाएंगी और वो जल्दी से ये बात यू को बताने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं। और उसे यू जल्दी में जाता देखकर रिको काफ़ी सरप्राइज होता है और सोचते हैं कि इसे क्या हो गया है कि अचानक भागकर कहाँ जा रहा है। और मिनाए तो भागकर यू के पास आते हैं और यहाँ पर वो उससे पूछते हैं कि अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझसे बात कर सकती हो। और यहाँ पर फ्यूमिनो इन दोनों को बातें करता देखकर काफी सरप्राइज हो रही होती है कि ये दोनों आखिर आपस में क्या बातें कर रहे हैं। फिर मिनाए उसे साइड पे लेकर जाता है और यहाँ पर वो भी उसे ये गुड न्यूज़ बताता है कि पब्लिशर की कॉल आई है और बहुत जल्द ही मेरी स्टोरी पब्लिश हो जाएगी। ये सुनकर तो यू भी काफ़ी खुश होती है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये स्टोरीज उसी ने ही उनको सेंड की थी। ये सुनकर तो यहाँ पर मिनाए काफ़ी सरप्राइज होता है और साथ में उसे ये सब करने के लिए थैंक्स भी कहता है। उनकी ये बातें यहाँ पर फ्यूमिनो भी खड़ी सुन रही होती है और वो सोचती है कि अच्छा तो इन दोनों की आपस में यही बातें हो रही हैं और वो यहाँ पर अपने बैड दिमाग के साथ कोई बैड ही प्लान बनाने लगती है। और वो फिर अपने रूम में जाती है और यहाँ पर वो उसके ड्रॉयर में से उसकी लिखी हुई स्टोरीज भी देख लेती है और वो खुश होने लगती है कि आहा इसको तो मैं अब कहीं भी यूज़ कर सकती हूँ। और फिर इतने में ऊपर से मूगी आ जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो उसे कहती है कि कुछ नहीं, ये तो मेरा सीक्रेट है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। और फिर वो उसे मास्क लगा देखकर पूछती है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। और इतने में यहाँ पर यू भी आ जाती है और वो भी सरप्राइज होकर उससे पूछती है कि तुम इतनी तैयार क्यों हो रही हो। तो वो उसे बताती है कि रात को मुझे टाइगर ने इनवाइट किया है तो मैं वहाँ उससे मिलने जा रही हूँ। ये सुनकर तो वो काफ़ी सरप्राइज होती हैं और फिर यहाँ पर वो यू से कहती है कि क्या तुम मुझे तैयार कर दोगी। तो वो भी मान जाती है कि ठीक है मैं तुम्हें तैयार कर दूँ। और यहाँ पर इन दोनों को खुश देखकर तो फ्यूमिनो काफ़ी जल्द भून जाती है कि इसका चक्कर तो टाइगर के साथ चल गया है और यहाँ पर यू का चक्कर भी मिनाए के साथ चल रहा है और वो तो अभी तक भी किसी लड़के को भी अपने चुंगल में नहीं फंसा सकी थी और इसी बात से वो काफ़ी परेशान भी होती है। फिर हम देखते हैं कि मूगी टाइगर से मिलने आ गई होती है और यहाँ पर बातों ही बातों में वो उससे पूछती है कि तुम किस लड़की से शादी करना पसंद करोगे। तो यहाँ पर वो उसे बताता है कि ये जो सारी लड़कियाँ होती हैं वो तो बस दौलत के पीछे ही भागती हैं और यहाँ पर तुम लोग भी ज़रूर दौलत के पीछे ही आए होगे कि हम अमीर लड़कों के साथ शादी करके खूब ऐश और इशरत की ज़िंदगी गुजारेंगे। और फिर वो उसे कहते हैं कि फ़र्ज़ करो अगर हम यहाँ पर अमीर ना होते क्या तुम लोग हमसे शादी करती। उसके इस क्वेश्चन पर तो मूगी काफ़ी सरप्राइज होती है और वो उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और साथ में इस बात पे चिढ़कर उस पर गुस्सा भी करने लगती है। तो फिर बाद में खुद ही सोचती है कि मैं तो कुछ ज़्यादा ही बोल गई हूँ और उसे सॉरी बोलती जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। उसके जाने के बाद टाइगर सोचते हैं कि ये लड़की मुझे बिल्कुल भी उन लड़कियों की तरह नहीं लग रही है जो कि दौलत के पीछे भागती हैं। खैर इधर मूगी जा रही होती है कि रास्ते में उसे कुछ लड़के तंग करने लगते हैं। इतने में ऊपर से रिको वहाँ पर आ जाता है और वो तो उनकी खूब धुलाई करता है। ये सब टाइगर भी खड़ा देख रहा होता है। फिर जब वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं तो यहाँ पर रिको देखते हैं कि उनकी वजह से मूगी काफी घबराई हुई है। तो वो उसे वहाँ से उठाकर लेकर जाने लगते हैं और साथ में उसे डांटता भी है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या करने आई थी। तो वो उसे सॉरी कहती है कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूंगी। एंड यहाँ पर हम एक चमचे को देखते हैं जो किसी को कॉल करके बता रहा होता है कि एक दफा फिर से रिकू ने उस लड़की की जान बचाई है। अब वो इस बारे में किसे बता रहा था फिलहाल हमें उसका नहीं बताया गया।
फिर बाद में फोमिनो सोचती है कि मुझे भी किसी ना किसी बॉय से बात जरूर करनी चाहिए। वो जल्दी से रिकू के पास उससे बात करने के लिए आती है, तो यहाँ पर रिकू उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला जाता है। और ये सब इटासी भी खड़ा देख रहा होता है। उसे यहाँ पर देखकर फोमिनो उसे कहती है कि क्या तुम छुप कर हमारी बातें सुन रहे थे? तो वो उसे कहता है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। और अब तो फोमिनो तो थी ही मुँह फट, वो तो उस बेचारे को खूब बुरा भला भी कहने लगती है, तो उसकी ये बातें टासी को बहुत बुरी लगती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिस चमचे ने रिकू की बातें जिस लड़की को बताई थी वो कोई और नहीं बल्कि टासू बाकी थी। और यहाँ पर टासू बाकी तो मुगी से काफी चिढ़ती है और वो उसे कहती है कि इस लड़की को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके शोल्डर पर भी वही निशान होता है जैसा कि हमने रिकू के शोल्डर पर देखा था। अब इस बात का क्या लिंक था वो तो हमें फिलहाल नहीं बताया गया है। फिर रात को एक अनाउंसमेंट की जाती है कि अब गर्ल्स को सब लड़कों में से एक लड़का चुनना होगा और उसके साथ उन्हें डेट पे जाना होगा। इस बात से वो काफ़ी सरप्राइज होती हैं कि आखिर उनकी किस्मत में कौन सा लड़का आएगा जिसके साथ वो डेट पे जाएंगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सारी गर्ल्स एक प्लेस पर पहुंची होती हैं और यहाँ पर सारे बॉयज अपने फेस कवर करके आते हैं। इन्हें इनके कवर फेस के साथ ही इन्हें सेलेक्ट करना था और फिर इनको नंबर्स दिए जाते हैं जिसमें से सबसे पहले फोमिनो का नंबर आता है। उसने सबसे पहले एक बॉय को सेलेक्ट करना था और उसके बाद यू की बारी होती है और थर्ड पे हमारी प्यारी सी मुगी। अब फोमिनो बड़ा सोच समझ के एक लड़के को सिलेक्ट करती है और फिर हम देखते हैं कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मिनाए होते हैं। अब फोमिनो मिनाए के साथ डेट पे जाएगी और ये देखकर तो यू को बहुत बैड फील होते हैं। फिर बाद में यू की बारी होती है और यहाँ पर वो जिस बॉय को सिलेक्ट करती है तो वो कोई और नहीं बल्कि टासी होते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि असल में फोमिनो टासी के साथ डेट पे जाना चाहती थी और यू मिनाए के साथ, लेकिन अब तो इनकी ये सारी गेम ही उलट हो जाती है और इसके बाद बाकी सिर्फ दो लड़के बच जाते हैं, रिकू एंड टाइगा। अब इन दोनों में से किसी एक के साथ ही मुगी ने डेट पे जाना था और फिर जब वो सिलेक्ट करने के लिए आगे बढ़ती है तो इसी दौरान ही वो फिसल के गिर जाती है, तो तब ये दोनों बॉयज उसे देखने लगते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक अनाउंसमेंट की जाती है कि इन दोनों बॉयज ने इसे टच किया है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच एक कंपटीशन करवाया जाएगा और जो उस कंपटीशन में जीतेगा वही मुकी के साथ डेट करने जाएगा। और वो कंपटीशन होता है स्केटिंग करना और फिर इन दोनों बॉयज का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर मुकी भी सोच रही होती है कि पता नहीं वो किसके साथ डेट पे जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि रिकू ये कंपटीशन जीत जाता है। ये देखकर तो तब टाइगा बहुत सैड होता है और उसे सैड देखकर पता नहीं क्यों मुगी को भी बहुत बैड फील हो रहा होते हैं। अब इस राउंड के बाद इन सारे लोगों को उनके अपने होम टाउन जाने के लिए कह दिया जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मुगी अपने घर वापस आ गई होती है और यहाँ पर वो जल्दी से स्कूल जाने की तैयारी कर रही होती है। और जब वो स्कूल जाती है तो तब सारी फ्रेंड्स उससे पूछती हैं कि आखिर तुम किसे लाइक करती हो, टाइगा को या रिकू को? तो यहाँ पर वो भी काफ़ी परेशान होती हैं कि अब मैं इनको क्या बताऊँ कि मैं किसे लाइक करती हूँ। और वो इस बात से थोड़ी बहुत कंफ्यूज्ड भी होती हैं कि असल में वो लाइक किसे करती हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फोमिनो और मिनाए डेट के लिए तैयार होते हैं और यहाँ पर इन्होंने अपने साथ साथ कैमरा में वीडियो भी बनानी होती है। और फिर जब वो दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं तो यहाँ पर एक्सीडेंटली फोमिनो के कपड़ों पर चाय गिर जाती है, तो फिर मिनाए उसे एक प्लेस पर लेकर आता है और फिर यहाँ पर वो उसे कहता है कि इन सारी ड्रेसेस में से तुम जो चाहो एक ड्रेस सिलेक्ट कर सकती हो। तो यहाँ पर फोमिनो एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस सिलेक्ट कर लेती है। और फिर बाद में हम देखते हैं कि वो दोनों रेस्टोरेंट जाने लगते हैं और फिर वो लोग रेस्टोरेंट पहुंच ही आए होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि टासू बाकी ने भी इन लोगों पर नज़र रखी होती है। असल में उसका इरादा इनकी डेट को ख़राब करना होता है। और फिर वो जल्दी से अपनी कुछ फ्रेंड्स को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि मुझे तुम लोगों की एक फेवर चाहिए। इधर ये लोग रेस्टोरेंट पर बैठे ही होते हैं तभी तीन गर्ल्स फोमिनो को लेकर डिस्कशन करने लगती हैं और साथ में उसे काफ़ी क्रिटिसाइज भी करती हैं
तो उस वक्त वो मीनू को उन पे बहुत गुस्सा आता है और वो जल्दी से उनके पास आकर एक पानी का गिलास उठाकर उनके ऊपर फेंक देती है और उन्हें कहती है कि तुम्हें यूँ मुझे क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। और असल में टासी बाकी ने ही इन तीनों गर्ल्स को उसे क्रिटिसाइज करने के लिए ही भेजा था। और फिर जब वो वहाँ से जा रही होती है तो तब किसी बात पर मीनाए और फुमिनो की बहस हो जाती है और फुमिनो तो होती ही मुंह फट है। वो यहाँ पर मीनाए से कहती है कि मुझे पता है कि तुम स्टोरीज राइट करते हो, इतने अमीर होते हुए भी तुम्हें क्या ज़रूरत है स्टोरीज राइट करने की। और बस यहाँ पर मीनाए को उसकी ये बात पसंद नहीं आती और वो फ़ौरन से वहाँ से चला जाता है। अब इनकी ये डेट तो ख़राब हो चुकी थी। ये देख कर तो टासी बाकी स्माइल करने लगती है और सोचती है कि बस मेरा तो प्लान ही यही था कि इनकी डेट ख़राब करना। फिर वो ये सोचने लगती है कि अब मुझे क्या प्लान बनाना चाहिए कि मैं बाकी दो कपल्स की भी डेट को ख़राब कर सकूं। और इसी के साथ ही पार्ट 3 ख़त्म हो जाता है। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।